मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। हमारे तीन चैनल एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडूला मित्रा, तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के देखने के बाद लाइक कर देना, शेयर कर। अभी जो है कर्नाटक चल रहे हैं जिसको श्राद्ध भी बोलते हैं, मैंने सोचा एक वीडियो श्राद्ध पर डाल दूं। चलते हैं, हम श्राद्ध के बारे में जानकारी लेंगे पूरी। श्राद्ध यानी पितृपक्ष भी बोलते हैं इसको, और पितृपक्ष हिंदी में श्राद्ध बोलते हैं। और इन टुडेज वीडियो वी विल टेल, आज के वीडियो में हम बताएंगे व्हाट इज श्राद्ध, श्राद्ध क्या है, सिमिलर वर्ड्स फॉर श्राद्ध, दूसरी भाषाओं में श्राद्ध के लिए शब्द कौन से इस्तेमाल होते हैं, श्राद्ध के लिए समान शब्द, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड, यह क्यों मनाया जाता है, फेज ऑफ श्राद्ध यानी श्राद्ध का चरण कितने दिन का होता है, पीरियड ऑफ श्राद्ध इन 2023 यानी 2023 में श्राद्ध की अवधि, टाइप्स ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं यानी श्राद्ध के प्रकार, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ काउ पूजन इन श्राद्ध, श्राद्ध में गौ पूजन का क्या महत्व है, व्हाट इज वंडर चिल्ड्रन डूइंग इन श्राद्ध, वंडर चिल्ड्रन श्राद्ध में के समय में क्या कर रहे हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट जानकारियां आप इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि हमारे संस्कार है ये और हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आइए अब चलते हैं पॉइंट वाइज, एक एक को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज श्राद्ध, श्राद्ध क्या है, श्राद्ध ओरिजिनली ए संस्कृत वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सेट मीनिंग ट्रूथ एंड आधार मीनिंग बेसिस, यानी ये एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों से बना हुआ है। श्राद्ध मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों का संयोजन है, सत्य जिसका अर्थ है सत्य और आधार जिसका अर्थ है आधार। इस प्रकार ये श्राद्ध शब्द का जो है ना जन्म हुआ। सिमिलर वर्ड्स फॉर श्राद्ध, श्राद्ध के लिए समान शब्द यानी दूसरी भाषाओं में श्राद्ध को किस नाम से जाना जाता है, जो आम बोली होती है उसमें किस नाम से जाना जाता है, द इंटायर फेज ऑफ 15 डेज इज आल्सो नोन एज, यानी जो 15 दिनों का ये पूरा चरण है ये इन नामों से भी जाना जाता है। नंबर वन पितृ पोखो, 16 श्राद्ध, कनागत हमारे हरियाणा में इसको कनागत कहते हैं, द्वितीया और अपारा पक्ष यानी मराठी भाषा में इसे अपरा पक्ष कहते हैं, इस तरह ये कुछ और भाषाओं में किसी और नाम से भी जाना जाता होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द श्राद्ध और तर्पण, इसको तर्पण भी कहते हैं हमें, ऑफ द एंसेस्टर इज परफॉर्म्ड ऑन द तिथि ऑन विच दे मेट एटर्निटी, यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनका इंतकाल हुआ है जिस डेट को, उस डेट को हम उनका श्राद्ध मनाते हैं और ये हर साल मनाते हैं। और हिंदू समाज के सनातन धर्म को फॉलो करने वाले होते हुए हमें श्राद्धों को मनाना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, उसकी शेप बदल जाती है। पहले इंसान था, उसका शरीर दिखता था, चलता फिरता था, और मरने के बाद वो आत्मा में बदल गया, बाकी शरीर नश्वर हो गया। इसलिए हमें श्राद्ध को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए जरूर मनाना चाहिए हर साल, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अब नंबर थ्री, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड, ये क्यों मनाया जाता है, ये भी जानना जरूरी है और अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है। द हिंदूज हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑनर देयर एंसेस्टर्स एंड पे रेस्पेक्ट टू देयर पितृपक्ष, यानी जो पितृपक्ष के दौरान हिंदुओं को अपने पूर्वजों का सम्मान करने और अपने मृत प्रियजनों को सम्मान देने का अवसर मिलता है, और जो हमारे आगे आने वाले हैं बच्चे उनको पता लगता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। नंबर सिक्स, टाइप्स ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध के प्रकार यानी श्राद्ध कितने प्रकार का होता है हमें ये भी जानना जरूरी है। प्रोमिनेंटली द टेक्स्ट मेंशन 12 काइंड्स ऑफ श्राद्ध, जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं 12 प्रकार के श्राद्ध लिखे हुए, दीज आर नित्या, नैमित्तिक, काम्या, वृद्धि, पिंजन, पारमन्य, घोष्ट, शुद्ध्यार्थ, कर्मांग, दैविक, औपचारिक एंड सानुवंशरिक श्राद्ध, यानी ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ। ग्रंथों में प्रमुख रूप से 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख है, ये है नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पिंजन, पारमन्य, घोष्ट, शुद्ध्यार्थ, कर्मांग, दैविक, औपचारिक और सानुवंशरिक श्राद्ध। इस प्रकार ये जो है ना 12 प्रकार के श्राद्ध है, ये पंडितों वगैरह को जिमाया जाता है इसमें और पूजा पाठ वगैरह करी जाती है ताकि हमारे पूर्वजों का
ये बताएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गौ पूजन श्राद्ध, श्राद्ध में गौ पूजन का क्या महत्व है। वैसे तो हम पूरे साल गाय माता की पूजा करते रहते हैं, लेकिन श्राद्धों में इसका महत्व बढ़ जाता है। आगे की वीडियो में देखना इसके बारे में बताया गया। व्हाट इज द वंडर चिल्ड्रन डूइंग इन श्राद्ध, वंडर चिल्ड्रन श्राद्ध में क्या कर रहे हैं, यानी ये हमारे जो वंडर चिल्ड्रन है दोनों, ये नए नए संस्कार सीखते रहते हैं और ये क्या कर रहे हैं आगे वीडियो में देखना। हमें अपने बच्चों को अपने त्योहारों के बारे में बताना चाहिए ताकि वे हमारे संस्कारों को सीखने लगें। और बच्चे जो है ना सीखने के बड़े इच्छुक होते हैं। बच्चे कहीं भी जाएं, किसी रिश्तेदार के पास जाएं, तो जब भी कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो तो उसके बारे में उनको डिटेल ज़रूर समझाएं। हमारे जो वंडर चिल्ड्रन जो है ना कहीं भी जाते हैं, वहाँ जो भी फंक्शन होता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। वैसे तो गौ माता जो है हमारे लिए पूजनीय है और हम पूरी साल उसकी पूजा करते हैं, लेकिन त्योहारों में गौ माता का विशेष महत्व हो जाता है। जो भी हम अपने पूर्वजों को खाना खिलाना चाहते हैं, आप श्राद्ध जब करते हैं तो गौ माता के मुंह को साफ करके उसे वो खाना देना चाहिए ताकि वो खाना हमारे पूर्वजों तक पहुँच जाए। हमारे वंडर चिल्ड्रन देखते हैं कि अपनी नानी के साथ कैसे श्राद्ध के बारे में सीख रहे हैं। आइए देखिए आगे वीडियो में। हेलो गाइस, आज हम आपको श्राद्ध चल रहे हैं, आपको पता ही होगा आज अभी श्राद्ध चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम खाना खिलाते हैं अपने पूर्वजों को, तो गाय को खिलाते हैं, तो हमारे पूर्वज भी हमारे हाथों से खा लेते हैं। देखिए गाइस, अब मेरा भाई खिलाएगा। उठा थाली ऊपर ना, एक एक दे उठ ले नाना बुढ़ा को गाय तो रोटी दे रहा मेरा भाई ला। हाँ। अरे उरे ना जा ले बोले। देखिए गाइस, अब हम मुंह धो लेंगे। अब तुझे गाय को थोड़ा सा खाना खिला रहे हैं। ये देखिए, हमने उसका मुंह धो दिया है, इसे हमने अब खिला दी है, हमने इसे खिला दी है। देखिए अब मेरा भाई इनका मुंह धोएगा। ये रहा, पानी तो लगा भी नहीं उस पर। पानी नहीं बेटा, दोनों कर ले, हाथ जोड़ ले। नाना बुढ़े नाना को खाना खाओ। ओके गाइस, बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।